ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है इंडिया और इंग्लैंड का मैच, कौन सी टीम जीतेगी इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अपने मैं न्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो मैच का जो कैलकुलेशन होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बिकॉज जो लोकसभा में थी वो बात अलग था, उसमें केवल दो प्रतिद्वंदी जो थे, जो मेन थे, उनके बीच में हम कैलकुलेशन कर रहे थे और वहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रहा था वो सटीक भी बैठ रहा था। यहां पर पूरे 11 प्लेयर टीम में खेलेंगे और दोनों ही टीम के 11-11 प्लेयर खेलेंगे, तो केवल जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने जो मैथमेटिक्स मैंने लोकसभा में लगाया था वही मैथमेटिक्स यहां पर भी लगा रहा हूं और अभी तक जो है प्रोबेबिलिटी देखिए 80% तक सही गई है और आने वाले दिन में भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 90% तक मेरी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। आप सभी लोगों ने इसको वेरीफाई किया हुआ है। पुराने दर्शक तो अपडेटेड है, न्यू दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी तक जो वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैंने की थी, इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में इंडिया जीतेगा और ऐसा ही हुआ। दूसरा मैंने बोला था इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा लास्ट में, लेकिन ये भविष्यवाणी मेरी गलत हुई थी और उसके लिए मैंने आप लोगों से क्षमा प्रार्थना भी किया था कि वो भविष्यवाणी गलत हुई थी। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड की मैच में मैंने बोला था कि अगर बारिश नहीं होगी तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर बारिश ने पूरा ही खेल को ख़त्म कर दिया था और उसमें एक एक पॉइंट दोनों टीम लेकर संतुष्ट करना पड़ा दोनों टीमों को। उसके बाद जो बन रही थी प्रोबेबिलिटी इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीतेगा और मैंने बोला था चाहे इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे चाहे इंडिया सेकंड बैटिंग करे, तो उसमें इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों में ही ज़्यादा बन रही थी, तो ऐसा ही हुआ। और उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान मैच में भी मैंने बोला था इंडिया ही जीतेगी और लास्ट में इंडिया जीती, और इंडिया और वेस्टइंडीज़ के मैच में अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज़ हार जाएगी और इंडिया जीतेगी, ऐसी मेरी भविष्यवाणी थी और ऐसा ही हुआ। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का मैच, पाकिस्तान का मैच, वेस्टइंडीज़ का मैच, अफगानिस्तान का मैच, ये चारों मैच की भविष्यवाणी लगातार सत्य हुई है और एक मैच की भविष्यवाणी गलत हुई, यानी 5 में 4 80% अभी भी भविष्यवाणी जो है मैच में अभी तक सत्य साबित हुई है। मैं कैसे कैलकुलेट इसको करता हूँ एक बार मैं बहुत सरल तरीके से बता दूं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि सर 11 के 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो इसमें आप कैसे आप बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी की भी बैटिंग कभी भी चमक सकती है, क्योंकि जो क्रिकेट मैच होता है अनिश्चितताओं का मैच है। तो देखिए, मैं ये नहीं चेक करता हूँ कि कौन ज़्यादा लास्ट का 11th प्लेयर भी हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा कर ले, बॉलर भी हो सकते हैं अच्छा कर ले, ऑलराउंडर तो अच्छा करते ही हैं जनरली, तो ये केवल हम ये नहीं बता सकते हैं कि केवल विराट कोहली की कुंडली या जो इंग्लैंड के कप्तान है मिस्टर मॉर्गन उनकी कुंडली से मैं ये कैलकुलेट करके एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूं, बट मैंने इसमें प्रश्न कुंडली का भी सहारा लिया और इसमें लगन कुंडली का भी सहारा ले रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोज़ हु आर टेकिंग the leadership of their company, that horoscope will be very responsible for deciding the match as well as the horoscope of India, and I didn't find the horoscope of England but I have a horoscope of India, so what I am predicting right now कि यहाँ पर जो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, पहले तो मैं आपको बता दूँ मेरे पास डेटा यहाँ पर पड़ा है, तो इस डेटा में अगर मैं देखता हूँ कि इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड के कैप्टन है, इनका डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर 1986 है, डब्लिन में हुआ था और इनकी वृष इनकी तुला लगन की कुंडली बनती है और अभी इनकी तुला लगन का जो लग्नेश होता है वो शुक्र होता है और शुक्र लगन में बैठा हुआ है और शुक्र जो है इस समय उनकी दशा भी चल रही है और शुक्र के अंदर सूर्य की दशा चल रही है और कहीं ना कहीं उसके अंदर राहु की अंतर दशा भी चल रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि जो लग्नेश है जो इनका खुद जो लग्नेश है और पराक्रम का स्वामी जो बनता है वो जुपिटर बनता है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में बैठे हैं, लगन में ही वीनस का होना और पराक्रम क्षेत्र में मंगल का। देखिए, जितने भी मैंने क्रिकेटर्स की कुंडली देखी है या किसी भी खिलाड़ी की कुंडली देखी है उसमें थर्ड हाउस को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, थर्ड हाउस बहुत मेहनत का हाउस होता है, वहाँ पर मंगल बैठ जाए जो उसका कारक हाउस है तो वैसे भी इंसान बहुत पराक्रमी बन जाता है, उसकी अंतर दशा आ जाए तो उसके पराक्रम
देखेंगे कि ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अभी जो है वीनस के अंदर सूर्य के अंदर राहु की दशा चल रही है, और ये डेटा मैंने इंटरनेट से निकाला हुआ है। तो ये डेटा अगर इनका सही है तो इसके हिसाब से अगर मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि विराट कोहली की जो जन्मतिथि है और वो डेट मैंने कन्फर्म किया हुआ है वो सही है, उनकी बायोग्राफी भी स्टडी करके चेक किया है, विराट कोहली की कुंडली में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया है और वो सही निकली है। इवन जो वीनस के अंदर सूर्य के अंदर राहु की जो दशा चलेगी मॉर्गन के लिए वो काफ़ी बढ़िया दशा चल रही है, और विराट कोहली जी की अगर मैं कुंडली देखता हूँ तो उसमें थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु इस समय गोचर में उच्च का भी चल रहा है, और यहाँ पर राहु थर्ड हाउस में बैठा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी कर रहा है, और राहु का जो कलर होता है ब्लू होता है, इंडिया का भी जो कलर है वो ब्लू है, तो इसलिए यहाँ पर इंडिया के जो विराट की जो कुंडली है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। और मैं एज अ इंडिया यही चाहूँगा कि वर्ल्ड कप हमारे देश में आए, और आप सभी व्यूअर्स भी यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप हमारे देश में ही आए। तो मैं एक लाइन में अभी ये बताना चाहता हूँ कि राहु के अंदर मरकरी के अंदर मंगल की दशा चलेगी, और मंगल इनकी कुंडली में जो है जनता के स्थान पर बैठा हुआ है, और इस बीच में मंगल अभी गोचर में नीच हो चुके हैं, लेकिन एप्लीकेबल होगा तो दोनों की कुंडली में एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं विराट की कुंडली में देख रहा हूं और मॉर्गन की कुंडली में नहीं देख रहा हूं। मॉर्गन का जो अभी टाइम जो चल रहा है, जब से मंगल नीच के हुए हैं वो अच्छा टाइम में ही चल रहा है, तो इस समय क्योंकि उनका पराक्रम भाव में बैठा है मंगल, जबकि इनका जनता के स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, मैंने टाइम कैलकुलेशन किया है, 3 बजे जो मैच होगा इंडिया टाइमिंग से उस समय वृष लगन रहेगा और लग्नेश भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो लग्नेश अगर भाग्य स्थान पर रहेंगे तो ये टाइम इंग्लैंड के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं उनकी कुंडली भी वृष लगन की बन रही है, तो ये टाइम इंग्लैंड के लिए अच्छा रहेगा, और विराट के लिए वैसे भी ये मार्क का काम करेगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, इंडिया शायद नहीं जीत पाए मैच। और दूसरा जो है, अगर इंडिया बाद में खेलता है तो वो इंग्लैंड के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि उस समय धनु लगन चलेगा और विराट की जी की जो कुंडली है उसके अंदर भी धनु लगन है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया का सेकंड बैटिंग करना ये मेरी कंडीशन है आज के मैच जीतने के लिए। और प्रश्न कुंडली से जो मैंने चेक किया उस कुंडली से केवल 50-50% चांसेस आ रहा है, क्योंकि उसमें ड्यूअल साइन आ रहा था, इसलिए प्रश्न कुंडली से मैं नहीं चेक कर पा रहा हूं, और मैंने जो कैलकुलेशन किया है जिस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूं उसमें इंडिया का सेकंड में बैटिंग करना बहुत जरूरी है, अगर इंडिया सेकंड में बैटिंग करता है तो उसके उसमें जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% रहेगा, और अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो उसमें फिर मैं प्रश्न कुंडली पे ही जाऊंगा और लगन कुंडली से भी 50-50% चांसेस रहेगा। तो कंडीशन है आज के मैच में इंडिया जीतेगा, लेकिन कंडीशन है कि इंडिया को सेकंड बैटिंग करना होगा। तो हम वेट करते हैं 3 बजे, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी टीम जीत सकती है, और हमें भी ये पता रहना चाहिए कि बाकी व्यूअर्स क्या सोचते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो अपने जगह पर है लेकिन ऑलरेडी किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड में जाता है, पूरे इंटरनेट के थ्रू सभी के पास जाता है, तो आप क्या सोचते हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, अगले मैच के लिए मैं आपके सामने फिर उपस्थित रहूँगा। ओम नमः शिवाय।